हुआ था अली साहब, बड़ा तेज बुखार जब हम सातवीं जमात में था, ऐसा तेज बुखार के अल्लाह माफ करे, चारपाई हिलता जी हमारे बुखार से। आप अपना कारोबार यहां शिफ्ट क्यों नहीं कर लेते चाचा जी? अब तो अब्बा जी भी आ गए। करेंगे बेटा, करेंगे, वक्त आने पर सब कुछ करेंगे। बच्चे के बगैर माँ हो ही नहीं सकती, या माँ के बगैर बच्चा, या फिर औरत के बगैर मर्द। पापा बेटे, यस पापा। बेटे आज तुम स्कूल नहीं गए, आज सैटरडे है ना पापा, यानी के कल आपने पढ़ा तो था कि जमुना बच्चे सैटरडे घर पे ही गुजारे दिन। अच्छी बात तो ये है कि मैं तुम्हारे साथ घूमना फिरना चाहता था, तुमने तहसीन और सुमारा को साथ लेकर मेरा सारा मूड ऑफ कर दिया। अब ऐसे में आदमी क्या बात करे, क्या करे? मैं कुछ असूल परस्त भी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक बार अकेला अपने रास्ते पर चलना चाहता हूं, ऐसे रास्ते पर जिस पर लोग माने न रखते हो। मेरी आवाज कौन सुनता है? बाबा तूने सैफुल के डर से मेरी भेड़ का रिश्ता किया है। मैं डबचड़ा हौसला, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, तुम बताना चाहते हो, बताओ बताओ। शाबाश मरने से पहले वो तमाम सुख देना चाहता था मां जो तुम्हारी किस्मत में कभी नहीं आए। मैंने खुद देखा है तुम्हारी कजिन को, बल्कि मैंने उसका पीछा भी किया है। तुमने कुछ पूछा था? बावजूद भी अगर किसी को इंसानियत दिखाने का शौक होता है ना भाई, बाज पुलिस स्टेशन ऐसी जगहों पर है जहाँ सड़क नहीं पहुंचती। जाने का रास्ता ही कहाँ है, मैं तो अंधे कुएं में आ गया हूँ, जहाँ से अंदर की आवाज बाहर नहीं जाती और बाहर की हवा अंदर नहीं आती। की गल है बच, जल्द मैं बाहरों आया तुम मैं घूर घूर के क्यों देखते हो? तेनू की पता वे पुत्र कि तेनू वेख के मैंने कहो जी ठंड पै रही। अगर जानती हो तो फिर ये भी जानती हो कि मैं जिंदगी भर इसी तरह जीऊंगा। मुझे जिंदगी में कोई साथी, कोई हमदर्द, कोई भाई नहीं मिला, मिला है तो सिर्फ एक दुश्मन। इस दुश्मन की हिफाजत मैं खुद करूंगा। गरीबों की कुल मता उनकी बेड़ियां होती हैं, पतवाना हमसे इन बेड़ियों के सिवा क्या छीन सकता है? हम पर कश्फ हुआ है कि इस गांव का मौलवी अपने नफ्स से हमारा के ताबे होकर अपने ही मोहसिन के यहां चोरी करने गया और ये झूठ है। मैं आपको खत लिख सकता हूं? बेटा कौन किसी को खत लिखता है? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है ना? मैं कोई भुखा नंगा नहीं हूं, नेकी करनी है ना तो जाओ जाकर नेकी करो, गरीबों की, मसलूमों की, मस्किनों की मदद करो, उनके मुकदमे लड़ो, जाओ। मैं तेरी जिद है तो फिर चौधरी शफीक तू अच्छी तरह जानना है, ना पढ़ाया कर, ना पढ़ाया कर। मैं इश्क से डरता रहा, मगर इश्क अब मेरी समझ में आने लगा, अब मैं मोहब्बत करने लगा। मैं सुबह से लाइन के साथ इस्लामाबाद में बिजनेस मीटिंग में था, शाम 6 बजे की फ्लाइट से मुझे वापस आना था। तुम्हें तो पता ही है मेरे टाइम का, तुम्हें मेरा इंतजार नहीं करना चाहिए था। मिसेस हक ने अगर माइंड किया है तो जस्टिफाई। एक नंबर है, एक लड़की का जिसके साथ तुमने फ्लर्ट करना है, उसका नाम सुमन है। तू अपनी नस्ल में पहला बुजदिल पैदा हुआ है, मारा है तो बोल मारा है। कुर्सी पर बैठ कर काम की बात नहीं होती, हुक्म सुनाया जा सकता है, पर हम जैसे गरीबों का तो हुक्म कोई सुनता नहीं। हेलो नाजिया भाई, मैंने तुम्हें घर का नंबर मिलाने के लिए कहा था, नहीं रॉन्ग नंबर मिल गया था, इट्स ओके। तुम ऐसा करो कि फोन मुझे डायरेक्ट कर दो। तुम्हारा मतलब है कि उसको किसी से? जी बाबा। हैरत है, फरहान जैसा संजीदा बंदा।
किसी को पसंद कर सकता है। हम भूखे रहे हैं और उन्हें रोटियां डालना सिखाते रहे। उसना बीबी, अब इस उम्र में ये तजर्बे नहीं हो सकते। गुड, इसका मतलब है कि तुमने अपनी जॉब की जिद छोड़कर मेरी ऑफर कबूल कर ली। भरोसा रखें भाभी, उसे कुछ नहीं होगा, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पर मैं उसे आपके पास लेकर आऊंगा। हाँ, आंखें खोलकर हकीकत का सामना करने की हिम्मत नहीं है किसी में। बस एक मैं हूँ। गधे की तरह मशक्कत किए जा रहा हूँ। लड़ाई चलती रहेगी, पर लड़ेंगे शतरंज की बरसात पर। फिर ये बाली कहां से आ गया? हाँ, कब्र पर जाने की जरूरत है, पर कल चले जाना। बेटा, जमाना आजकल बहुत खराब है। डर लगता है मुझे तुम्हारे लिए। क्या है कि सवेरे सवेरे गुलबानों का चेहरा देख लिया है ना, अब तबीयत खराब भी थी तो ठीक हो जाएगी। बंदा दीवार को समझा सकता है, पर तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है।